देख रहे हैं रितम और मैं हूँ आपके साथ सौम्या श्री। वैसे तो पूरा भारत एक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन इन दिनों जो घटनाएं सामने आ रही है वो इशारा कर रही है कि भारत को तोड़ने की साजिश देश के भीतर से ही हो रही है। यहाँ लोगों ने अपने मजहब के हिसाब से धरती बांट ली है। देश के कई राज्यों में इस्लामिक लोगों ने अपने मजहब के हिसाब से अपने इलाके चुन लिए हैं, और अगर इलाकों में कोई भी जाता है तो उनका बुरा हश्र किया जाता है। उदाहरण के लिए हाल ही में गुजरात के महुधा की घटना को ले लेते हैं, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाकर इंस्टाग्राम पोस्ट डाली गई। जब इस पोस्ट की शिकायत करने तीन हिंदू युवक थाने पहुंचे, तब भीड़ ने पुलिस स्टेशन के सामने उन पर हमला किया, पथराव किया और धमकी दी। ऐसी घटनाएं न केवल धार्मिक कलह को बल्कि कुछ क्षेत्रों में घोर अराजकता को भी उजागर करती है। इसके बाद 7 अक्टूबर को उत्तरी त्रिपुरा के कदमतला ब्लॉक में दुर्गा पूजा के चंदे को लेकर दो समूहों के बीच हुई हिंसा में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 17 अन्य लोग घायल हो गए। इस हिंसा में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और सामान लूट लिया गया। इसी तरह बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर कट्टरपंथी समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। साथ ही इन्हीं कट्टरपंथियों ने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वहां मस्जिद से भी लोगों को मारने के लिए कहा जा रहा था। वहीं बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या और अन्य घटनाएं हमें उस परेशान करने वाले विभाजन की याद दिलाती हैं जो अभी भी मौजूद है। इन क्षेत्रों में हिंदुओं के घर ही नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम, या तो कुछ पलायन कर चुके हैं और कुछ जो बचे हैं वो मन में कई तरह के डर के साथ रहते हैं। डर रहता है कि कब मजहबी कट्टरपंथी घर पर हमला कर दे, कब हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत ना कर दे। इन क्षेत्रों में पुलिस का दबदबा ही बहुत कम होता है। इसके अलावा उदयपुर टेलर मामला और कमलेश तिवारी की हत्या सहित कुछ सबसे पुरानी घटनाओं में ये स्पष्ट है कि इस्लामी हिंसा केवल सांप्रदायिक तनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बढ़ता खतरा है। उत्तराखंड में हालिया हिंसा और लव जिहाद के नाम पर श्रद्धा वॉकर की जघन्य हत्या सहित ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। इससे साफ है कि जहां मजहबी कट्टरपंथियों की संख्या कम है, वो वहां लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कुकर्मों को अंजाम देते हैं, और जहां इनकी संख्या ज्यादा है वहां पत्थरबाजी, मंदिरों पर हमले जैसे अपराध करते हैं। वहीं हिंदुओं को अब इस खतरे को पहचानना होगा, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि देश की एकता के लिए भी। अधिक चिंताजनक बात यह है कि ये अब एक अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि बार बार होने वाली इस्लामी हिंसा का एक पैटर्न है, जो देश के कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बारे में भी गंभीर सवाल उठा रहा है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।